हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नवरात्रों की ज़बरदस्त और अच्छी मैं एक पेठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जो पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत ही झटपट तरीके से बन जाती है, आसान तरीके से, और झटपट भी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है जो कि खाने में बहुत ज़बरदस्त बनती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे किचन में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज मैं बनाना सिखाती हूँ आपको पेठे की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है और झटपट बन भी जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो चलिए बनाती हूँ मैं पेठे की सब्ज़ी। तो पेठे को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और मैं इसमें ये जो है कि बनाने वाली हूँ। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है कच्चा आम डाल के इसकी पेठे की। और पेठे को मैंने छिलका नहीं उतारा है पेठे का, और बिना छिलका उतारे ही मैंने पेठे को काटा है। और मैं जो ये कच्चा आम भी इस बिना छिलका उतारे ही डालूँगी। तो ऑयल ये हमारा गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ ये मेथी और जीरा। और अगर आपको हींग डालना है तो आप इसमें तो चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पेठा कटा हुआ जो था। बस पूरा पेठा इसमें डाल के और थोड़ी देर के लिए मैं इसको बिना घुमाए ही ऐसे ही फ्राई होने दे रही हूँ। और फिर बीच बीच में इसको मैं एक दो बार चला भी लूँगी थोड़ी देर, जब ये नीचे से फ्राई हो जाए तो इसको ऊपर नीचे करके और घुमा लेंगे ताकि ये नीचे से जले ना और पूरा पेठा जो है कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए जिनको मैंने ऐसे रफली कट कर लिया है। और ये उसमें 2-3 हरी मिर्च डाली है। और ये कच्चा आम जो एक मैंने लिया था बड़ा, तो वो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है बिना छिलके उतारे। अगर आप कम खट्टा खाना पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, नहीं तो आप इतना पूरा एक डाल सकते हैं इसमें। और इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से चिपके ना, जब तक ये ऊपर नीचे से पूरा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें टमाटर और कच्चा आम जो मसाले वगैरह मुझे डालने हैं वो डाल दूँगी। और बस पेठा हमारा गल चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ इसमें, और 1 चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ, और 1 चम्मच इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा अमचूर डालूँगी, और 2 बड़ी चम्मच यानी कि छोटी ये स्पून है इसको मैं पिसी हुई धनिया डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें गर्म मसाला डालूँगी, और फिर मैं इन सबको मिक्स करूँगी। अगर आपको खट्टी मीठी सब्ज़ी खानी है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और इस सूखे मसाले को पूरी अच्छी तरीके से घुमा के और मिक्स करना है। और बस ये डाल रही हूँ मैं टमाटर यहाँ पे, और ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कच्चा आम जो मैंने पहले काट लिया था। बस इसको मुझे ढक के रखना है और 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि टमाटर और ये जो मैंने कच्चा आम डाला है वो भी गल जाए, और उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी। बस 5-7 मिनट बाद मैं इसको दोबारा से घुमा रही हूँ, और जो ये टमाटर और ये कच्चा आम है वो इसमें पूरी तरह से मिक्स करना है ताकि ये इसके साथ मिक्स हो के इसके सब्ज़ी के टेस्ट को और भी अच्छा करें। बस अब 2 मिनट के लिए और इसको ढक के रखना है। तो बस सब्ज़ी हमारी गल के तैयार हो चुकी है, जिसमें पेठे में जो मैंने कच्चा आम और टमाटर डाले थे वो भी गल चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस इसमें हरा धनिया डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी, और दिखने में भी और खा के भी बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।